तो मैं भी एक बरसाती मेंढक हूँ मेरे पापा जी कि मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे वापस किस वजह से आया हूँ। जो पैसे दे के भग जाते हैं ना, लेकिन घर वालों को नहीं आता है तैरना, बस यहीं रोक दो, साइड में रोक देना, प्यार ही प्यार बरसा दो। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आज हो गई है फाइनली बारिश। जब से मैं चंडीगढ़ से आया हूँ ना, तब से इतनी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी है ना, बस क्या ही बताऊं कितनी गर्मी है। तो मैं सोच रहा था कि अभी तक बारिश नहीं हो रही, तो फाइनली आज बारिश हो चुकी है और मैं आ गया हूं हमारी छत पे नहाने। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, बारिश होती है ना जब, तो बरसाती मेंढक जो होते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं, मतलब घूमने निकल जाते हैं। तो मैं भी एक बरसाती मेंढक हूं, तो मैं भी अभी बाहर जा रहा हूं घूमने बारिश में। तो गाइस मैं मेरा स्कूल दिखा देता हूं, वो रहा मेरा स्कूल। ये मेरे घर के साथ से गली जाती थी, गली जाते 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 वो रहा स्कूल। अभी नीचे जाना फिर से टास्क है, ऊपर से मैंने चप्पल भी नहीं पहनी है। तो ये टास्क है ना गाइस, मुझे डेली करना पड़ता है डेली। पता नहीं हम यहाँ पे सीढ़ी क्यों नहीं लगवाते हैं। सो गाइस माय मॉर्निंग स्टार्ट विद आलू दे पराठे खा लो मित्रों। चुगली हो रही है, चुगली गाइस है ना। मैं तो बताता नहीं हूँ कहाँ थे कहानी, तो मम्मी बाद में सबूत है कि कहाँ गए थे क्या करा। मेरे घर ना आई, वापिस चल जा घर, ऊपर आ जा अभी। तो गाइस जब मैं आ जाऊंगा 45-50 साल का, तो मैं कुछ ऐसा दिखने वाला हूँ। मेरे पापा जी 2 दिन बाद मुझे मिले, तो मैंने आपको भी अभी मिलवाया। नमस्कार फादर साहब। नमस्कार। व्हाई आर यू स्माइलिंग? पापा शर्मा रहे हैं गाइस, मम्मी हंस रही है। मम्मी की शर्म खोल चुका हूँ मैं, पापा आ जाए। ओए तन्नू मैं क्या उत्ते ना आई साडे घरे, तू की करना है? गोनी के मुँह छागी देख, चेक कर गोनी, मुँह पाड़ दे इसकी, पाड़ दे, पकड़ इसकी मुँह पाड़ दे। ठीक है जा रहा हूँ मैं भाई, बाय। ठीक है, क्या कर रहे हैं? घर जाओ दे चल। तो गाइस बस घर से निकल चुका हूँ, तो अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे वापस किस वजह से आया हूँ, मतलब क्यों आया हूँ यहाँ जाने ना। यहाँ जा रहा था, अभी बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट तो दे दो यार। रुक जाओ, रुक क्यों नहीं रहे हो, रुक तो जाओ यार, बताऊंगा जल्दी बताऊंगा कि मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे, गाड़ी बंद होगी मेरी तुम्हारी वजह से गाइस, रुक जाओ। मतलब ध्यान ही आया ना गाड़ी चलाने में, ध्यान नहीं है मेरा। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ हम थे कि मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे क्यों आया हूँ। गाड़ी तो चला लें दो, रुक तो जाओ, बताता हूँ जल्दी बताता हूँ। कच्ची सी छली देता हूँ अंकल, एक बढ़िया सी ऐसी देना। कराए कल सुसु कराए, मैंने 2 साल से नहीं खाई है, ऐसी खिला देना, मैं रोज आऊँगा आपके पास, ठीक है? तो अंकल ने उतार दिए छली के कपड़े, ये बढ़िया, ये बढ़िया अंकल, ऐसी छली नहीं खाई दे दो। आओगे? 500 रुपये की है अंकल ने मुझे दिए, 20 रुपये की, मैं अंकल दे रहा हूँ 500। यही काम लगवा दो तेरे को, चंडीगढ़ से तू यही काम कर रहे हैं? यही करने आया हूँ मैं, छल्ली खाने चंडीगढ़ से। छल्ली खाने नहीं आए, भूनने आया तू? छल्ली भूनो, वहाँ मुझे ना छल्ली नहीं मिल रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गया, मुझे पता लगा यहाँ पे छल्ली है। अंकल रख लोगे इसको? ऐसे नहीं लूंगा, लेकिन छल्लियाँ जला दूंगा अंकल के साथ, जला दी ना मैंने। तो गाइस अंकल ने है ना, इधर आओ अंकल, तो अंकल ने एक स्पेशल चीज कर रखी है, जो अंकल की छल्ली खाए, कुछ लोग होते हैं पैसे नहीं देते ना भग जाते हैं, तो अंकल ने क्या कर रखा है, अगर जो पैसे दे के भग जाते हैं ना और वो हाथ लग जाए अंकल के, तो अंकल इस पे लिटा देता है उसको। ये देखो गाइस, ये है बर्फ की सिल्ली, इतनी बड़ी नंगा करके यहाँ लिटा देते हैं। सही कह रहा हूँ अंकल, एकदम सही, खिलाओ फिर। तो गाइस काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप कहाँ से हो, सिरसा से हो, सिरसा से हो, तो मैं बता देता हूँ, हाँ मैं सिरसा से हूँ। तो अभी आपको मैं सिरसा का एक नजारा दिखाता हूँ कि सिरसा में क्या होने वाला है, नजारा नहीं कह सकते इसको, अभी कुछ होने वाला है सिरसा में, तो मैं अभी उतर के दिखाता हूँ गाड़ी से क्या होने वाला है, ऐसे हो ना, लेकिन जो अभी हो रहा है ना वो दिखाता हूँ। तो गाइस हमारे सिरसा में बाढ़ का कोहराम आने वाला है, जिस हिसाब से देखा जाए, तो जिस हिसाब से भीड़ देखी जाए, देख लो यहाँ तक पानी आ चुका, मतलब ये कितना किलोमीटर हो गया है यहाँ से, 3-4 किलोमीटर, मतलब ये लगा लो सिरसा से 4 किलोमीटर दूर, इतना पानी आ चुका है, इतना पानी आ चुका है। उम्मीद है शहर तक ना आए, मैं तो डूब जाऊंगा मैं यार, बस तैरना तो आता है मुझे, नहीं घर वालों को नहीं आता है तैरना। पहले काम करता हूँ, घर वालों को तैरना सिखा देता हूँ। पतली पतली बनवाई हो? हाँ। तो गाइस इस मौसम में जलेबी खाने का मजा कुछ और ही है। तो मेरा मन था कि ना मैं पहले पकोड़े खाऊं, लेकिन रास्ते में मुझे दिख गई जलेबी, और ये हमारे सिरसा की ना फेमस जलेबी है। तो गर्मा गर्म जलेबी आ चुकी है, बधाई हो, मुंह मीठा कर लो। पहले तो मैं ही कर लूं। तो ऊपर खड़े घर वाले वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। कुछ लाया हूं आपके लिए। तो मैं अंदर आ चुका हूं, फिर भी बाहर खड़े, पता नहीं क्यों। फेमस जलेबी गर्म गर्म है बिल्कुल। स्विमिंग आती है मम्मी आपको? आपको आते आपका आते सीख लो फिर, पानी आने वाला, बाढ़ आने वाली है। अभी देख के आया हूँ मैं, मीरपुर, मीरपुर नहीं है, सारा डूब गया वहाँ ना, किसी ने बोला था कहते ओटू से राजस्थान की तरफ पानी निकाला है। तो फाइनली गाइस घर पे वाईफाई लग गया मेरा, तो बस मैं मेरी टेबल ले आता हूँ, टेबल लगा के मैं यहाँ पे पीसी लगा लूंगा अभी। तो अभी गाइस
तो गाइस अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ फ्रेंच फ्राइज खाने, अभी मुझे लेके जा रहा है ये लोंडा, गोलीबाज लोंडा। ये देख लो क्या स्वाद है, वाह CF के मोमोज, मतलब जो जगह है इसका नाम है CF, तो उन्होंने खुद ही लिख रखा वाह क्या स्वाद है। ऐसे खिला देना, ऐसे खिला देना, दोबारा ना आए हम। वैसे ये ना वो वाले फ्रेंच फ्राइज नहीं है जो लोग अक्सर खाते हैं, यहाँ के अलग ही है, मैं दिखाता हूँ जब बन जाएंगे ना। जहर जहर शक्ल नहीं, मतलब देखने से अलग है ये। बस कनाडा जाना हो किसी ने तो इस प्लेन पे बैठ के जा सकते हो आप लोग। फ्रेंच फ्राइज का चेहरा देख लो कैसे है, और खाने में मैं बताऊँ एक नंबर है, झूठ नहीं बोल रहा। तो गैस फ्राइज को निपटा के अभी जा रहा हूँ मैं मेरी टेबल लेने। तो गैस मुझे बताना इस पे पंजाब रोड वेज क्यों लिखा है, नॉन वेज क्यों नहीं लिखा हुआ। तो गैस टेबल तो उठाने में आ गया, लेकिन ना टेबल गाड़ी में आएगी नहीं, तो हमें मेहनत करते देख, और बालक भी आ चुके हैं कि सर आप मेहनत मत करो। तो ये इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, पक्की बात है आ जाएगा। अंकल मैं बैठ जाता हूँ, रुक जा गाड़ी ले, तू गिर ना जाए इसलिए मैं साथ ही बैठ गया। देखो अंकल कोने वोने से बचा के, ये देखो लगेगी लगेगी। तो फाइनली एकदम सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं हम, टेबल भी सुरक्षित है, मैं भी सुरक्षित हूँ, पूरा टेम्पू भी सुरक्षित है, अंकल भी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। हाँ अंकल बस यहीं रोक दो, साइड में रोक देना। तो इस बंदे के पास ना गाड़ी थी, देख लो फिर मुझसे लेट आया, और मैं कब से यहाँ पहुँच के खड़ा हूँ। तो इतनी भारी टेबल है ना, यहाँ तक मुश्किल से आई है, अभी यहाँ ऊपर लेके जानी है। देखो भाई मैंने ऐसा उठा रखी है, तो ऊपर तक आ चुकी है टेबल फाइनली, अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। एसी उसी पक्का चलाओ यार। तो अभी हमको ये ऊपर चढ़ानी है छत पे। अकेले यार बहुत हल्की है, बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है, आगे देख लो जगह ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मोड़ है सीढ़ी का, तो यहाँ से मुड़ेगी नहीं है। तो भैया जैसे तैसे मोड़ हमने मोड़ दिया, ये वाली कोने तोड़ दिया दीवार के, मम्मी मुझे तोड़ेगी। तो छत पे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मन कर रहा है यहीं लेट जाऊं, तो मैं फिलहाल अभी थोड़ी देर यहीं आराम से आराम करने वाला हूं। अभी हमारे पीसी को इसके ऊपर विराजमान कर देते हैं। तो फाइनली गाइस मेरा सेटअप, मेरी जान मेरे घर पे विराजमान हो चुकी है। तो माता जी ले आए हैं बनाना शेक, बनाना शेक, बनाना शेक। कौन कितने रुपए वाला गिलास मम्मी? प्यार का, प्यार का गिलास पिला दो फिर तो, 20-30 गिलास प्यार ही प्यार बरसा दो। तो गाइस शाम का वेदर देख लो कैसा हो रखा है, सारा सारा लाल है। तो गाइस सब कुछ रेडी है, मेरा पीसी रेडी है, लेकिन मेरे पास माउस पैड नहीं है, तो मैंने ये बुक रखी है इसके ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही, और सबसे मेन बात कि मतलब जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, बेशुमार प्यार है, तो बस ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो, आप लोगों की दुआएं हैं।